फ्रेंड्स <coughs> आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का असाइनमेंट नंबर वन ठीक है उसकी लास्ट डेट है थर्ड दिसंबर ये उसकी लास्ट डेट है थर्ड दिसंबर इसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्वेश्चन नंबर वन है सपोज दैट यू आर गोइंग टू ओपन कंपनी न्यू डॉन हैव मेनी रिसोर्स टू मैनेज लोकल सर्वर लोकल सर्वर आप लोग मैनेज नहीं कर सकते ठीक है तो उसमें आपने जो है ना रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट दैट कैन हेल्प टू द दबाउ मैंशन टास्क फॉर यूर कंपनी ठीक है अकॉर्डिंग टू नॉलेज विच टाइप ऑफ कंप्यूटिंग विल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड रॉइड डाउन एट लीस्ट फॉर आर फिट इसल कस्टेक्ट डिफाइंड बाई एन आई एस टी तो उसके लिए जो है ना क्लाउड बेस्ड स्टोरेज इस सबसे अच्छा है जो कि पेज फिफ्टी फाइव पे आप जो है ना इसको फुल डिटेल से स्टडी कर सकते हैं ठीक है नेटवर्क स्टोरेज ये है क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज ठीक है आप यहाँ से ये लिख लेंगे उसके बाद उसकी इसेंशल करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए यहाँ से कोई से भी आप चार लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन बनाते उसमें है कि इन टूडेज लाइफ क्लाउड कंप्यूटिंग कैन प्रोवाइड ग्रेट हेल्प फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वही क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है एज वेल फॉर यूनिवर्सिटीज़ सपोजी दी हुई कोरिया की रिप्लेस इट्स आई टी सर्विस डिपार्टमेंट सच इज़ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन डेवलपमेंट इन्वयमेंट इन टू अर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बाई यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नाउ कंज्यूमर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्लाउड कंज्यूमर डायरेक्टली उस साथ कनेक्ट हो गए यूजिंग यूअर इंटरशन रिकमेंडेड द बेस्ट सर्विस मॉडल इन विच कंज्यूमर डज नॉट रिक्वायर टू मैनेज इट्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट योर आंसर विद सॉलिड जस्टिफिकेशन के कौन सा जो है ना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना है जिसमें यूज़र को जो है ना उसकी मैनेजमेंट ना करना पड़े ठीक है उसमें चार किस्म के हैं पब्लिक क्लाउड है प्राइवेट क्लाउड है कम्युनिटी क्लाउड है और हाइब्रिड क्लाउड है ये पेज सिक्सटी वन पेज की पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ से आप इसको देख सकते हैं ठीक है ये पेज सिक्सटी वन आ गया इसमें ये है पब्लिक क्लाउड द कंज्यूमर इज़ जनरली नॉट अवेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ आई टी रिसोर्स अनलेस अ लोकेशन डिस्टिंगशन इज एम पोस्ड बाईर कंज्यूमर स्टिल इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू वेफाई द लोकेशन आन मैप फ्राम वेयर द आई टर्स बी प्रोविजन तो आपका आंसर ये होगा आप पब्लिक क्लाउड जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री Assume that you are working as a network administrator in a well-known mobile company. The company management wants to install a new network in their office. Your task is to connect all the clients' computers to a single central hub. Okay. Next, two questions. What type of network topology do you suggest for the above network scenario? To us, answer is that you have star topology use? उन्होंने ऑलरेडी उस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि टास्क इज टू कनेक्ट ऑल द क्लाइंट कंप्यूटर थ्रू अ सिंगल सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट करने तो वो स्टार टोपोलॉजी में होता है दूसरा है व्हाट विल हैपन इफ वन केबल इन दू मैं नेटवर्क फेल क्या होगा कि कोई एक केबल इसमें ब्रेक हो गई इफ़ वन केबल फेल्स इन स्टार्ट ऑपोलॉजी द इंडिविजुअल यूजर वेल नो एक्सेस टू द नेटवर्क द रिमेनिंग यूजर वेल वर्क स्मूथली ये हब्ब यह स्टार्ट अपॉल जिस तरह होती है कि दरमियान में हब होते हैं साथ में यूज़र कनेक्ट होते हैं अगर ये वाली केबल ब्रेक हो जाए या ये वाली ब्रेक हो जाए तो ये इंडिविजुअल यूज़र काम नहीं करेगा या ये वाला काम नहीं करेगा जिसकी केबल ब्रेक हो गई है बाकी जो है ना वो काम करते रहेंगे अगर जितने यूजर कनेक्ट हो बाकी ईज़ीली काम करते रहेंगे तो ये कम्प्लीट स्कॉन्सर है इसकी फ़ाइल भी मैं अपलोड कर लेता हूँ ठीक है जो हमारा फेसबुक पेज है और साथ में वीडियो भी मैं अपलोड कर लूँगा तो दुआ में याद रखिएगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज